परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित। एनटीए की फंक्शनिंग में सुधारों को लेकर 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। नीट और नेट पेपर लीक पर विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। शुक्रवार आधी रात को सरकार ने जारी की एडवाइजरी। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार। नए खुलासे के मुताबिक पटना से नहीं, हजारीबाग के एक सेंटर से हुआ पेपर लीक। व्हाट्सएप के जरिए पटना भेजे गए थे पेपर। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बीजेपी यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने ली खराब नतीजों की नैतिक जिम्मेदारी, नड्डा को हार की वजह भी बताई। दिल्ली में पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की द्विपक्षीय मुलाकात, कई अहम समझौतों पर लगी मोहर। पीएम मोदी ने दोहराई पड़ोस सबसे पहले की नीति, शेख हसीना ने दिया बांग्लादेश आने का न्योता। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन वाली जगह पर हंगामा, नौकरी बहाल करने की नारेबाजी के साथ पहुंचे डीटीसी बसों के पूर्व मार्शल। आतिशी बोली, मुझ पर हमले के लिए गुंडे भेजे गए। आतिशी के अनशन पर कांग्रेस का हमला, कांग्रेस ने खाली पड़े मंच की तस्वीर साझा कर लिखा, ये है फर्जीवाल सरकार के सत्याग्रह का सच। सौरभ भारद्वाज बोले, अपने सहयोगियों के साथ लक्ष्मण रेखा खींचे कांग्रेस। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी ने 11 आईपीएस अफसरों का तबादला किया। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। दंगे की आग में झुलसा राजस्थान का जोधपुर, ईदगाह के सामने गेट बनाने और अवैध पार्किंग पर 2 समुदायों में पथराव और आगजनी। अब तक 43 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा। गुरुग्राम में एक शख्स की बस से कुचलकर मौत पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने बसों में जमकर की तोड़फोड़, पुलिस पर भी पथराव, एक जवान घायल।